अगस्त का प्रोग्राम जो दिल्ली में होने वाला था, जोनल सेलिब्रेशन, उसको भी भीलवाड़ा शिफ्ट कर दिया है। तो 15-16 के साथ आप 18 का प्रोग्राम भी बना सकते हो। मायके में 2 दिन और रुकने की फैसिलिटी मिल गई, बीच में 1 दिन का घूमने का प्रोग्राम बना सकते हो। बहुत अच्छा है, कुछ किया जा सकता है। तो वो तो खैर हम करेंगे, लेकिन मायके को, पूरी मायके की फीलिंग देने का पूरी मेहनत कर रहा हूँ। पूरी मेहनत करने की जरूरत नहीं, मतलब मैं जितना टाइम निकाल पा रहा हूँ उसमें, उससे बढ़िया। पहली बात तो, सबसे पहले तो स्वागत तो मैं करूंगा मायके वाला, नहीं ससुराल वाला। ससुराल में जब पहली बार जाते हैं ना, तो स्वागत कैसे होता है? जमीन पे फूल बिछाए जाते हैं, तो स्वागत तो ससुराल में, मायके में स्वागत नहीं होता। मायके में तो घर में चले जाते हैं, बस मस्ती के लिए आजादी से जाना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं। तो स्वागत तो करेंगे हम ससुराल जैसा, और फीलिंग देंगे मायके जैसी। तो पहले तो स्वागत की तैयारियां चल रही है, ताकि आपको वहां फील आ सके कि मैं आई हूं तो कुछ मेरा स्वागत हो रहा है। हर महिला का, हर पुरुष का जो भी भीलवाड़ा 15 और 16 अगस्त को आने आ रहे हैं, अब उसमें चूंकि 18 अगस्त और एड हो गया है, 18 अगस्त की जोनल इवेंट आपको अगर भीलवाड़ा की अटेंड करनी है तो वो एड हो गया, उसके हिसाब से आपके ट्रेवलिंग प्लान या लोगों के ट्रेवलिंग प्लान आप बना सकते हैं। और बीच में 1 दिन का जो है, उस दिन के लिए भी कुछ ट्रेनिंग, कुछ और प्लानिंग हम कर सकते हैं। और एक अनाउंसमेंट की, 15 तारीख को शाम का जो गाला डिनर है, बिल्कुल ऐसा ऑर्डिनरी आरसीएम वर्ड वाला खाना नहीं, बिल्कुल जैसा कि मतलब एकदम स्पेशल डिश बनती है, स्पेशल डिनर होता है, पूरा मस्ती के साथ में, डांस के साथ में। वो 15 तारीख का डिनर हमारा न्यूट्री चार्ज वालों की तरफ से, उन्होंने मुझे पूकी पक्की कंफर्मेशन दे दी है। और उनका बिल्कुल, उनका सर हम ऑर्डिनरी नहीं करेंगे, हम कुछ बढ़िया करेंगे। मैंने कहा बढ़िया करना है तो शाम को करिए, दिन को तो फिर ऑर्डिनरी रहता है, शाम को पूरा फ्री हो जाते हैं। तो शाम को 15 तारीख का डिनर आपको न्यूट्री चार्ज वालों की तरफ से रहेगा। और ये जितने भी दिन, चाहे 3 दिन हो, चाहे 4 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, जितने भी दिन रहेंगे गुडडोट वालों की तरफ से। गुडशिप की बात तो मेरी फाइनल हो गई है, क्योंकि गर्मियां हैं, तो मैंने कहा गुडशिप आपको दिन भर जितनी भी बार पीना हो कोई मनाही नहीं है। गुडशिप की बात तो मेरी फाइनल हो गई है। और इसके अलावा एक बहुत ही टॉप क्वालिटी की रेसिपी बुक गुड्डोट की तरफ से, वो आपको फ्री मिलेगी सबको, और भी बहुत कुछ फ्री मिलेगा। लेकिन अभी चूंकि जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जा रहा, मैं बात करता जा रहा हूं, तो इस बार आपका मायके आना, बस मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ। एक और प्रपोजल मैंने तैयार करवाया है, वो प्रपोजल इतना बढ़िया है कि उससे आपकी टीम में रॉयल्टी बढ़ सकती है, आपके टेक्निकल बढ़ सकते हैं। मतलब ये, जब भी पहले वीरांगनाओं की बात वो करते थे तो मेरे को बात थोड़ी सी समझ में नहीं आती, मेरे को रियली समझ में नहीं आती थी, क्योंकि कोई भी ऐसी योजना जिसमें मेरे सारे आधे बच्चे ही नहीं आवे, छूट जावे, तो उसका, उस योजना का मुझे कुछ लाभ नहीं दिखाई। मैं तो ये चाहता हूं कि भारत का, आरसीएम का हर व्यक्ति वीर बने, और हर महिला वीरांगना बने, हर महिला बने। इसमें दिक्कत की क्या बात है? मैं वीरांगना कहलाऊं, मैं वीर कहलाऊं, तो ये तो मेरे लिए गर्व की बात है। पहले तो नाम रखे जाते थे ताकि लोग उस नाम को याद कर करके, राम का नाम रखा जाता था, महावीर का नाम रखा जाता था, ताकि लोग महावीर के नाम को बुलाएं और महावीर कहलाएं। आजकल हुए टुन्नू मुन्नू, तो पहले तो नाम ही सारे अच्छे अच्छे रखे जाते थे। तो अब ये वीर और वीरांगना कोई एक क्यों कहलाए, कोई दूसरा क्यों नहीं कहलाए, कोई तीसरा क्यों नहीं कहलाए, उसके लिए पॉलिसी बन गई है। वो अपने ऑफिशियल डिक्लेरेशन उनको जब भी करना होगा वो कर देंगे, क्योंकि मैं निकल जाऊंगा तो फिर मैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी महिला केवल एक बार, केवल एक बार 5 न्यूट्रीचार्ज वुमन का टारगेट पूरा कर लेती, जैसे जून में जो भी महिलाएं कर लेती है, उनका वीरांगना लेवल फाइनल हो, वो अपने आप को वीरांगना कहलाने का हक रखने लग गई है। वो स्टेज पे एज ए वीरांगना जा सकती है, स्टेज पे अपना सेलिब्रेशन करवा सकती है, उसके अपलाइन उसको एज ए वीरांगना इंट्रोड्यूस कर सकते हैं।
और उसको मतलब ये गर्व की फीलिंग वो महिलाएं अपने आप में, और पुरुष वीर और महिलाएं वीरांगना। लेकिन जैसे ही 3 महीने लगातार, 5 पीस 1 महीने, 5 पीस दूसरे महीने और 5 पीस तीसरे महीने अगर कर लेते हैं, तो वीरांगना का जो भी अवार्ड पॉलिसी वो बनाएंगे, अभी चूंकि मैंने उनको रिक्वेस्ट किया था, थोड़ा सोचने का टाइम तो मुझे भी उनको देना पड़ेगा, लेकिन ये फाइनल है कि वो अवार्ड, तो मैंने कहा आप ये अवार्ड 3 महीने के आपके हिसाब से करते हो तो आपका पॉलिसी चल जाए, वो अगर मतलब फाइनल है सितंबर का अक्टूबर देते हैं फिर चेक करते हैं वो। मैंने कहा ऐसा नहीं, मुझे सब कुछ भिलवाड़ा में चाहिए, भिलवाड़ा में गिफ्ट चाहिए, ताकि महिलाओं को मैं कह सकूं कि आपको खाली हाथ नहीं आना है, हम आपको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। इसके अलावा भी और बहुत कुछ होगा, लेकिन चूंकि कोई भी चीज डिक्लेयर करने के पहले थोड़ा सा मुझे समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, और मतलब मैं प्रियंका से भी बात करूंगा, और तुलसी बैंड वालों से भी बात करूंगा, हरीश संजीवनी वालों से भी बात करूंगा, और आपको ये बात तय है कि इस बार का प्रोग्राम आपको मायके की, और दूसरा अपनी को इतना फ्रीडम में फील करना है, क्योंकि पूरा मंच महिलाओं का है। हमने इसमें ज्यादा, हम चाहते तो इसका प्रमोशन कुछ और बहुत अलग तरीके से कर सकते थे, फिर क्या होता है कि कोई दूसरे आकर हमारे मंच पे कब्जा करे, इससे बेटर यह है कि ये मंच महिलाओं के हाथ में रहे, और पहली बार उसके वीडियो बने, और अब आप देखेंगे कि जो आप, और यहाँ पर जिनको मैं देख रहा हूं वो आज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, क्योंकि आपको जब अच्छा, आपको अपनी ताकत का पता तब चलेगा जब वहां पर आपको देखने वाली आसाम की महिलाएं, वहां पर आपको देखने वाली मतलब हिंदुस्तान के अलग अलग कोने की महिलाएं कहेगी, मैडम हमने, कल्याणी मैडम, क्षमा मैडम, सरोजनी मैडम, हमने तो आपको 1 PM के स्क्रीन पे देखा था, हम तो आज पहली बार मिल रहे हैं, तो हमें तो बहुत खुशी हो रही, प्लीज एक सेल्फी का मौका, एक सेल्फी की इजाजत दीजिए, एक प्लीज एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, और असली ताकत तब पता चलती है। इसलिए मैं आजकल कहता हूं कि आजकल सितारे जमीन पे तैयार नहीं होते, सितारे स्क्रीन पे तैयार होते हैं, जो स्क्रीन पे बार बार आते हैं वो दिलो दिमाग में छा जाते हैं, पर जो स्क्रीन पे पर्दे पर फिट हो जाते हैं वो तो कामयाबी की दुनिया में भी हिट हो जाते हैं। इसलिए आपको 1 PM के प्रोग्राम में, 2 PM के प्रोग्राम में आते रहना है। आज मैं समझता हूं कि अनीता मुकेश निगम को जितना, मुकेश जी को जितने हिंदुस्तान के लोग, मुझे तो खुद, मुझे उनका चेहरा याद नहीं रहता, लेकिन अनीता का चेहरा मुझे याद है। बिल्कुल, कल्पना को हो चाहे कोई भी हो, वो चेहरे बहुत पक्के हो जाते हैं जिनको स्क्रीन पे बार बार देखा जाता है। तो आपका स्क्रीन पे आना आपका खाली नहीं जाएगा, जो मेहनत आपने पिछले 2 साल की है उसके प्रतिफल आपको मिलेंगे। और मैं आपको एक गर्व की बात बता देता हूँ, आपका जो अपराजिता वाला जो ब्लेजर कलर है, अब वो कलर धीरे धीरे उतना पॉपुलर होगा, इतना पॉपुलर होगा कि कोई IPS भी ये चाहेगा कि एक बार तो ये ब्लेजर पहनने का मौका मेरे को भी मिले, और वो फोटो आपकी राष्ट्रपति भवन तक ले जाने का संकल्प हम करते हैं, क्योंकि अब हमने संकल्प कर लिया, जैसे जैसे हमारे ब्रांड पार्टनर हमें सहयोग करेंगे, 15 करोड़ महिलाओं को आपको नेतृत्व देना है, 15 करोड़। ये मैं क्यों कह रहा हूँ 15 करोड़, क्योंकि एक्चुअली में महिलाओं की संख्या तो 50 करोड़ है, लेकिन उनमें से 15 करोड़ महिलाएं वो है जिनकी आंखों में जैसे सपने आपके पास थे, उनके पास भी सपने हैं, लेकिन उनको भी मौका नहीं मिला, उनको पता नहीं चला कि उनके पास एक RCM जैसा अवसर है, और आने वाला जो वक्त है RCM में भी महिलाओं का वर्चस्व ज्यादा होगा, महिलाओं की पोजीशन लीडिंग होगी, आप स्टेज पे अधिकांश, जैसे 8 PM में आपने देखा होगा कि धीरे धीरे 8 PM की पूरी एंकरिंग महिलाओं के हाथ में आ गई, धीरे धीरे ही होता ना, जैसे धीरे धीरे 8 PM में आज क्षमा मैडम को दुनिया लोग सेलिब्रिटी की तरह से देखते हैं, कोई मुझे तो डर लगता है कोई TV वाले पकड़ के दिख जाए इनको कि भाई आप तो यहाँ छोड़ो हमारे पास आओ, कोई फिल्मों वाले नहीं ले जाएगा कि आप यहाँ नहीं करो वहां करो, तो इसलिए आपको इस 1 PM की ताकत को, 2 PM की ताकत को समझना, ये जो कुछ भी हो रहा है, ये जो कुछ भी मैं बात कर पा रहा हूँ, तो मैं किसके भी आप पे बात करता हूँ, मैं आपके भी आप पे बात करता हूँ, मैं 1 PM की स्ट्रेंथ और अपराजिताओं की स्ट्रेंथ के भी आप पे, नहीं तो मैं कहूँ कि ऐसा कर दो तो कौन सुनेगा मेरी, मेरी नहीं सुन रहे हैं, मेरे पीछे जो मेरे बच्चों की ताकत है उस ताकत की वजह से मेरे को
सुनते हैं और मेरी मांग को पूरा करते हैं। अगर मैंने एक बार कहा कि वन टाइम का खाना तो मेरे को खिलाना होता तो मेरे को पूछने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन इतने पूरे परिवार को तो 1 मिनट के लिए भी उन्होंने ना नहीं किया, और उन्होंने बल्कि आगे से कहा कि हम थोड़ा बढ़िया करना चाहते हैं। तो उनका बढ़िया करना है तो फिर शाम का करिए आप। तो इस तरह से आपको, तो अब आपको क्या करना है कि पूरी टीम में 5 और जो नई घोषणाएं बाद में धीरे धीरे आती जाएगी वो हम आपको जानकारी में देते जाएंगे जो फाइनल होगा, लेकिन 5 पीस न्यूट्रीचार्ज वुमन के अपनी टीम में, अभी से आपकी टीम में आप काउंसलिंग कर लेंगे तो आपकी रोल्टी की संख्या बढ़ जाएगी। इन 3 महीनों में अगर आपने अपनी टीम में हर महिला को वीरांगना या वीर बनाने का अभियान छेड़ दिया तो आपकी महिलाओं की रोल्टी की संख्या बढ़ जाएगी, टेक्निकल की संख्या बढ़ जाएगी, एमरल्ड की संख्या बन जाएगी। दिखने में ये टारगेट है छोटा, दिखने में ये टारगेट है छोटा, पर जब संख्या आती है तो इसका रिजल्ट आता है मोटा। ये दिखने में तो लगता है ये 5 पीस तो कोई भी कर लेगा, ये तो सभी कर लेंगे। कहते हैं कि बारिश की बूंदें दिखने में तो छोटी होती है, लेकिन जब बाढ़ आती है ना तो बारिश की बूंदों से आती है। टंकी भले ही मोटी दिखती हो लेकिन उसमें बाढ़ लाने की ताकत नहीं होती है। तो वैसे ही ये छोटा टारगेट, क्योंकि इस विज्ञान में मैं समझ पाता हूं, तो इसलिए मैंने बहुत कुशल तरीके से अपना काम हो गया है। और आगे भी अभी और काम की खबरें मैं आपको देता रहूंगा। तो आपको इसकी तैयारी करनी है ताकि आपकी टीम में जितनी भी वीरांगना महिलाएं आए तो वो यहाँ से खाली हाथ नहीं जाए, उनको वीरांगनाओं वाले गिफ्ट भी मिले, उनको ये उनका सम्मान भी मिले, बाकी का रोल्टी का टेक्निकल, और इससे रोल्टी और टेक्निकल की संख्या बढ़ानी है। बाकी के टारगेट हमारे जो पहले के चल रहे हैं वो तो हमें करने ही है, क्योंकि जिस ट्रैक पे हम एक बार चल दिए हैं उस ट्रैक को छोड़ना नहीं है, लेकिन ये नया टारगेट हमें अभी मिला है इस पे काम शुरू कर देना है। और बिल्कुल मेरी तरफ से शुभकामनाएं सबको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपका 15, 16, 17, 18 4 दिन का, क्योंकि 18 का भी फाइनल हो गया है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।